गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले एनालाइज कॉम्पिटिटर के ऊपर। सो कल के वीडियो में जैसे हमने देखा था फाइंड कीवर्ड्स, सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे भी आ रहा होगा, तो आप देख सकते हो जाके वीडियो कि फाइंड कीवर्ड्स कैसे था। सो स्टार्ट करते हैं। कीवर्ड एनालाइज कॉम्पिटिटर, सो स्टार्ट करते हैं एनालाइज कॉम्पिटिटर्स। सो बेसिकली ये कीवर्ड टूल एक ऑप्शन दे देता है जहाँ पे आप अपना यूआरएल डाल दीजिए, अपने कॉम्पिटेटर का यूआरएल डाल दीजिए। डालने के बाद सिंपली सर्च पे क्लिक कर दीजिए, तो ये आपको आपके वेबसाइट को एनालाइज करके वो बताएगा कि कौन से अलग और कीवर्ड हैं जो आप फोकस कर सकते हो और कौन से कीवर्ड्स पे आप फोकस कर सकते हो, आप कौन से कीवर्ड्स पे रैंक कर सकते हो, आपकी सर्च वॉल्यूम जो आप इतना लेके जा सकते हो, आपका एवरेज ट्रेंड कैसा बड़ा ग्रो हुआ है वो सब पता चल जा रहा है। जैसे कि एवरेज ट्रेंड पता चल रहा है, यहाँ पे टोटल सर्च वॉल्यूम इतना हम ग्राफ कर सकते हैं, हमारा सीपीसी, हमारे जो कीवर्ड्स होते हैं, जो भी मतलब आप अपना वेबसाइट डाल दो तो बता देगा कि ₹5 पर कॉस्ट पर क्लिक चल रहा है ये कीवर्ड्स के लिए और एवरेज कॉम्पिटिशन कितना है। सो यहाँ पे ग्राफ वाइज भी सर्च वॉल्यूम पता चल जा रहा है कि कितना कितना लोग सर्च करते थे। अगस्त में जैसे कि 16,600 लोग सर्च करते थे, फिर इसके बाद नवंबर में 21,490 पीपल हैव सर्च फॉर योर कीवर्ड्स, ऐसा पता चल जा रहा है। फिर यहाँ पे कीवर्ड जैसे कि आप जा रहे हो तो आपको रुद्राक्ष जैसा कीवर्ड दिख रहा है, कितना इसका सर्च वॉल्यूम है। फिर इसे जैसे बहुत सारे कीवर्ड आइडियाज़ दिख रहे हैं, उसके सर्च वॉल्यूम दिख जाते हैं, उसके ट्रेंड दिख जाते हैं, उनके कॉस्ट पर क्लिक दिख जाते हैं, उनके कंपटीशन दिख जाते हैं कि कैसे कितना। मीडियम मतलब कि थोड़ा टाइम लगेगा रैंक करने, हाई मतलब तो बहुत टाइम लगेगा रैंक करने, और लो का मतलब होता है कि वो जल्दी से जल्दी रैंक हो सकता है, मिनिमम 2 to 3 months या ज़्यादा से ज़्यादा। और मीडियम बोल दिया जाए तो साल भर, 6 months से 1 year के बीच में, और हाई बोल दिए थे थोड़ा और टाइम लग जाता है। सो इस तरीके से एनालिसिस कॉम्पिटिटर हेल्प करता है। आप यहाँ पे लोकेशन वाइज डाल सकते हो, लैंग्वेज भी सर्च कर सकते हो, और कोई और नेटवर्क जैसे कि खाली गूगल के लिए देखना आप सेलेक्ट कर सकते हो। इधर में मैंने गूगल और सर्च पार्टनर्स डाल के रखा है, और फिर करेंसी आप भी चेंज कर सकते हो कि डॉलर में देखना, किस में देखना, जस्ट सिंपली सेव पे क्लिक कर दोगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे फिल्टर रिजल्ट्स भी आ जाते हैं, जो डेटा आपको चाहिए खाली उतना आप ले सकते हो, जैसे कि कोई भी कीवर्ड, बहुत कुछ जैसे सर्च वॉल्यूम दिख जा रहे हैं, आप यहां से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं यहां पे क्लिक करने के बाद। सो इस तरीके से आप कीवर्ड एनालिसिस कॉम्पिटिटर यूज़ करके आप देख सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, नहीं पसंद तो डिसलाइक करिए, और कमेंट करके बता दीजिए कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कल वीडियो डालूँ तो वो आपका नोटिफिकेशन आ जाए।